हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद रईस फ्रॉम टैगोर स्कूल परबत से। टुडे वी विल रीड क्लास फिफ्थ फर्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर। के बच्चों, आज हम कक्षा फिफ्थ का ग्रामर का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्पाउंड वर्ड्स, यानी पहला जो टॉपिक है ग्रामर का वो है कॉम्पाउंड वर्ड्स। अब कॉम्पाउंड वर्ड्स क्या है, यानी कॉम्पाउंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है। कॉम्पाउंड वर्ड्स का मीनिंग होता है मिश्रित शब्द या यौगिक शब्द। तो कॉम्पाउंड वर्ड मीन्स यौगिक शब्द या मिश्रित शब्द। अब व्हाट इज कॉम्पाउंड वर्ड्स, अब कॉम्पाउंड वर्ड क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पाउंड वर्ड, यानी कॉम्पाउंड वर्ड की डेफिनेशन क्या है, यानी इसकी परिभाषा क्या है। तो आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पाउंड वर्ड, यानी मैं आपको कॉम्पाउंड वर्ड की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर देन टू वर्ड टू क्रिएट ए न्यू वर्ड इज कॉल्ड कॉम्पाउंड वर्ड। इट इज वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ कॉम्पाउंड वर्ड। अब कॉम्पाउंड वर्ड की इजी डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर देन टू वर्ड टू क्रिएट ए न्यू वर्ड इज कॉल्ड कॉम्पाउंड वर्ड। यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है कॉम्पाउंड वर्ड। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना वो होता है कॉम्पाउंड वर्ड। कॉम्पाउंड वर्ड इज फॉर्म बाई जॉइनिंग टू वर्ड्स टूगेदर, यानी कॉम्पाउंड वर्ड है यानी जो संयुक्त शब्द है, इज फॉर्म्ड यानी बनाया जाता है बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, यानी दो शब्दों को जोड़कर टुगेदर यानी साथ साथ, कि जो कॉम्पाउंड वर्ड है यानी संयुक्त शब्द है वो दो शब्दों को साथ में जोड़कर बनाया जाता है। एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि आई प्लस ब्रो, यानी आई और ब्रो से दोनों को मिला दें वर्ड को तो क्या बन जाता है, एक शब्द नया शब्द क्या बनेगा, आई ब्रो यानी भौहें। इसी प्रकार से जैसे सन प्लस फ्लावर, दो वर्ड है सन फ्लावर, इनको दोनों को मिला देंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा सन फ्लावर यानी सूरजमुखी। इसी प्रकार से जैसे आई और लिड, दो अलग अलग शब्द हैं तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा आई लिड यानी प्लक। फ्लावर और पॉट, दो अलग अलग शब्द हैं, इनको जोड़ेंगे कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा फ्लावर पॉट यानी गमला। तो दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना वही क्या है, कॉम्पाउंड वर्ड यानी संयुक्त शब्द, यानी मिश्रित शब्द, सॉरी यौगिक शब्द। इन दिस वे द न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स इज कॉल्ड कॉम्पाउंड वर्ड। यानी इन दिस वे, यानी इस तरीके से, यानी इस तरीके से द न्यू वर्ड यानी नया शब्द फॉर्म्ड यानी बनाता है बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स यानी दो शब्दों को जोड़कर, इज कॉल्ड कॉम्पाउंड वर्ड यानी उसको सही मिश्रित संज्ञा, मिश्रित शब्द या यौगिक शब्द कहते हैं। यानी दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना वही मिश्रित शब्द है। ये जो चैप्टर है कॉम्पाउंड वर्ड का वो एक शॉर्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इतना सा है। इसमें आपके सिर्फ डेफिनेशन दी हुई इस चैप्टर में, लेकिन आपको इसके फॉर्म भी मालूम होने चाहिए। फॉर्म ऑफ कॉम्पाउंड वर्ड, यानी कॉम्पाउंड वर्ड होता है जो संयुक्त, जो मिश्रित शब्द है उसके रूप आपको मालूम होने चाहिए कि देयर आर थ्री फॉर्म ऑफ कॉम्पाउंड वर्ड। यानी जो कॉम्पाउंड वर्ड होते हैं उसके थ्री फॉर्म होते हैं, यानी तीन रूप होते हैं। एक होता है क्लोज्ड फॉर्म, दूसरा होता है हाइफिनेटेड फॉर्म और तीसरा होता है ओपन फॉर्म। ये तीन फॉर्म होते हैं, यानी जो कॉम्पाउंड वर्ड होते हैं उनके थ्री फॉर्म हो गए, क्लोज्ड फॉर्म, हाइफिनेटेड फॉर्म और एक होता है ओपन फॉर्म। अब जो क्लोज्ड फॉर्म क्या होता है कि क्लोज्ड फॉर्म दो शब्दों से मिलकर बना एक इस प्रकार का नया शब्द होता है जिनमें जो दो शब्द जोड़ते हैं वो पूर्ण रूप से जुड़ जाता है और उनमें कुछ भी अलग नहीं होता है, यानी कम्प्लीटली जॉइन टुगेदर, यानी उनको साथ में जोड़ा जाता है कम्प्लीटली और उनमें कुछ भी अलग नहीं होता है। इस प्रकार का होता है कॉम्पाउंड, वो होता है क्लोज्ड फॉर्म। जैसे जू प्लस कीपर, और जोड़ने पर जू कीपर एक बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा बीच के अंदर, इनमें सेपरेट नहीं होंगे, ये कम्प्लीटली जॉइन होंगे, कोई सेपरेंट्स नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा इसमें। जू प्लस कीपर तो जू कीपर, दोनों कंबाइन होंगे एकदम। जैसे एयर प्लस प्लेन, एयर प्लेन, तो दोनों कंबाइन होंगे। दूसरा है हाइफनेटेड फॉर्म, यानी इस प्रकार के जब शब्द को जोड़ते हैं तो उनके बीच में अपन हाइफेन
हाइफेन क्या एक हाइफेन एक पंक्चुएशन मार्क है, विराम चिन्ह है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है, यानी जिसको डैश बोलते हैं ना अपन, डैश, उस डैश का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का वर्ड ज्वाइन टुगेदर बाय हाइफेन, यानी इस प्रकार के शब्दों को जोड़ते समय हाइफेन यानी जो डैश होता है उसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर डैश इन डैश लॉ। इसी प्रकार से जैसे इसमें अपन बोल सकते हैं जैसे फायर क्रैकर्स, तो फायर डैश क्रैकर्स। तो बीच में जो यूज किया जाता है डैश, जिसको हाइफेन बोला जाता है, पंक्चुएशन मार्क है, तो इस प्रकार का जो कंपाउंड वर्ड होता है वो होता है हाइफेनेटेड फॉर्म में। और जो तीसरा फॉर्म होता है वो होता है ओपन फॉर्म, यानी इस प्रकार के फॉर्म में जो शब्द बनने के बाद में भी क्या होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, यानी उसके बीच में अंतराल होता है, थोड़ा सा गैप होता है। और लेकिन जब अपन उनको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उनमें क्या होगा, रीड करने पर उनका अर्थ क्या आएगा, मीनिंग क्या निकलेगा, एक निकलेगा, अलग अलग मीनिंग नहीं निकलेगा, एक मीनिंग। जैसे पोस्ट ऑफिस, तो बीच में स्पेस आता है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो पोस्ट ऑफिस होगा, और अर्थ क्या निकलेगा, एक निकलेगा, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, बस स्टॉप यानी बस अड्डा, तो अर्थ एक निकला है। तो इस प्रकार के होते हैं ओपन फॉर्म। तो इस चैप्टर में अपन को दो चीज़ें ध्यान में रखने की होती है, एक तो डेफिनेशन ऑफ कॉम्पाउंड वर्ड और फॉर्म ऑफ कॉम्पाउंड वर्ड। तो एक बार मैं आपको वापस रिमाइंड करा दूं कि डेफिनेशन ऑफ कॉम्पाउंड वर्ड, तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर टू वर्ड्स टू क्रिएट ए न्यू वर्ड इज कॉल्ड कॉम्पाउंड वर्ड। यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कॉम्पाउंड वर्ड यानी मिश्रित या यौगिक शब्द कहा जाता है। देर आर थ्री फॉर्म ऑफ कॉम्पाउंड वर्ड, यानी जो कॉम्पाउंड वर्ड होते हैं उसके थ्री फॉर्म होते हैं, क्लोज्ड फॉर्म, हाइफनेटेड फॉर्म, ओपन फॉर्म। ये तीन फॉर्म होते हैं, ये याद रखने का। अब इसमें आगे कुछ दिया है कि सम इम्पोर्टेंट कॉम्पाउंड वर्ड्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक आर एज फॉलोइंग, यानी आपके पाठ्यपुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण कॉम्पाउंड वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो नीचे दिए हुए हैं कॉम्पाउंड वर्ड, ये आपकी टेक्स्ट बुक के हैं, पाठ्यपुस्तक के कॉम्पाउंड वर्ड दिए हुए हैं। जैसे ये सभी दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे सम प्लस दे, सम और डे दो शब्द हैं, इनसे बनकर बनता है सम डे। इसी प्रकार से हाउस होल्ड से हाउस होल्ड, सम और थिंग से सम थिंग, मैजिक प्लस लैम्प से मैजिक लैम्प, मदर प्लस लैंड से मदर लैंड, फायर प्लस क्रैकर से फायर क्रैकर्स। अब ये देखो, ये आपके रूप इसमें आ रहे हैं, जैसे ये जो ऊपर वाले हैं समडे हाउस होल्ड समथिंग मैजिक लैम्प, ये तो है कौन से फॉर्म है, क्लोज्ड फॉर्म में हो गए। ये दोनों सेपरेट नहीं है, क्लोज्ड एकदम निकट होके कम्प्लीटली ज्वाइन हो रहे हैं, तो जो कम्प्लीटली ज्वाइन होता है वो क्लोज्ड फॉर्म है। और जिनके बीच में डैश मैंने बताया था आपको हाइफेन का यूज किया जाता है वो होता है हाइफेनेटेड फॉर्म। और जिनके बीच में थोड़ा सा गैप दिया होता है और पढ़ने पर समान यानी एक अर्थ निकलता है वो होता है ओपन फॉर्म। तो जैसे फायर क्रैकर्स, फायर और प्लस फ्लाई से फायर फ्लाई, अन प्लस कॉन्शियस से अनकॉन्शियस, शो प्लस रूम से शोरूम, आवर प्लस सेल्फ से आवर सेल्फ, नॉट प्लस बुक से नॉट बुक, एवरी प्लस वन से एवरी वन, नो प्लस थिंग से नोथिंग नथिंग, अन प्लस जस्ट से अनजस्ट, प्रेयर प्लस असेंबली से प्रेयर असेंबली, क्लास प्लस रूम से क्लासरूम, फायर प्लस वर्क से फायर वर्क्स। इस प्रकार से ये जो सभी इसमें कॉम्पाउंड वर्ड दिए हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने, ठीक है। द चैप्टर इज ओवर नाउ, ये पार्ट इतना सा ही है, ख़त्म हो गया। आपको इतनी सी चीज़ समझ में आनी चाहिए, बाकी ये पार्ट खत्म। नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज अपन सॉल्व करेंगे। तो पहली जो एक्सरसाइज है, मैच ए विद बी फॉर्म टू फॉर्म मीनिंगफुल कॉम्पाउंड वर्ड, यानी मीनिंगफुल मिश्रित शब्द बनाने के लिए ए को बी से मैच करना है। तो आपको दिए हुए 10 दिए हुए, ये एक में शब्द एक शब्द दिया, दूसरी साइड में दूसरा शब्द दिया, तो जो सूटेबल है उसको मैच करके एक कॉम्पाउंड वर्ड बनाना है। जैसे ओवर, ओवर में हो जाएगा, आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, जैसे ओवर में कम तो ओवरकम, डस्ट में बीन, सेकेंड वाले में भी आप दोनों इंडेक्स को ध्यान से देखते रहे, डस्ट में हो जाएगा बीन, फायर में जैसे हो जाएगा क्रैकर्स, सन में हो जाएगा जैसे रे, सन रे सूर्य की किरणें, जैसे मदर प्लस लैंड मदरलैंड मातृभूमि, जैसे हाउस प्लस होल्ड हाउस होल्ड यानी घरेलू, चैटर प्लस बॉक्स चैटर बॉक्स यानी बातूनी ज़्यादा बातें करने वाला, न्यूज़ प्लस पेपर न्यूज़ पेपर समाचार पत्र, जैसे फ्लावर प्लस बेड फ्लावर बेड,
और शो प्लस रूम शोरूम, तो ये हो गया इस प्रकार से। अब अगला है एक्सरसाइज टू। एक्सरसाइज टू में क्या करना है, राइट द वर्ड्स फ्रॉम विच दीज कॉम्पाउंड वर्ड हैव बीन फॉर्म्ड। तो आपको क्या करना है, जो ये कॉम्पाउंड वर्ड किन शब्दों से मिलके बने उनको अलग अलग करना है। जैसे प्ले ग्राउंड किससे मिलकर बना है, प्ले प्लस ग्राउंड, तो प्ले और ग्राउंड से मिलके प्ले ग्राउंड बना, तो प्ले प्लस ग्राउंड। बेड सीट, तो बेड प्लस सीट। वॉट ईवर, तो वॉट प्लस ईवर। नोटबुक, तो नोट प्लस बुक। फायरफ्लाई, तो फायर प्लस फ्लाई। बटन हॉल, तो बटन हॉल में से बटन प्लस हॉल। क्लासरूम, तो क्लास प्लस रूम। तो ये अलग अलग हो गए बस। अब एक्सरसाइज थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो जैसे आई थ्रू द बिट्स ऑफ पेपर इन द डस्ट, डस्ट में क्या लग जाएगा, डस्ट बीन, तो डस्ट बीन हो जाएगा। अगला, जैसे वी विल ऑल मेक आवर क्लास ब्लैंक क्लीन, तो क्लास रूम क्लीन, क्लास रूम को क्लीन करेंगे। द कॉब इज ब्लैंक इज ऑन द वॉल, दीवार पर है, कॉब का हो जाएगा वेब, तो कॉब वेब। अगला हो जाएगा वी ऑल डू आवर होम वर्क आवर सेल्फ। अगला हो जाएगा फिफ्थ, वी यूज हैंड मेड पेपर आर्म्स एंड मार्क्स ऑन द सेरा। फिर अगला है वेन ईवर समवन रब्ड द मैजिक लैम्प द जीनी यूज टू कम आउट। और अगला है सेवेंथ, वी शुड बी डिसिप्लिंड एट अवर वर्क प्लेस। तो दीज आर सम एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ये इस पार्ट से संबंधित कुछ एक्सरसाइज थी एंड वी हैव सॉल्व दीज एक्सरसाइज, हमने इन एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। तो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर इज कम्प्लीट नाउ, यानी ग्रामर का जो पहला चैप्टर है वो अब कम्प्लीट हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नाउ वी विल read the next chapter in our next video. So thanks for watching this video. Bye.